हम लोग का आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंस वाला है। डिफरेंशिएशन मतलब यही होता है ना कि जैसे देखो दो चीज़ होता है, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के बाद तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा इंटीग्रेशन, ठीक ना। जस्ट डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब होता है एक तरह से तोड़ना, ठीक। और इंटीग्रेशन मतलब होता है इंटीग्रेट करना, मतलब कि जोड़ना, ठीक ना। यही है डिफरेंशिएशन मतलब कि तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब कि जोड़ना। जैसे कि एक अगर बोतल है सामने तुम लोगों का, तो बोतल को अगर तुम खोल रहे हो, जैसे देखो ये है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोग के पास एक मार्कर है। मार्कर देखो, ये देखो अभी क्या, अभी ये इंटीग्रेटेड है, ठीक। इंटीग्रेटेड है मतलब कि जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम लोग खोल रहे हैं, यानी देखना, देखो इसको खोल रहे हैं मतलब कि क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं यानी ये डिफरेंशिएट करके अलग कर दिए। और अगर इंटीग्रेट, देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एकदम सेम चीज़ है, बस एक दूसरे को उल्टा है। जैसे देखो ये हम लोग क्या किए, इसको खोल दिए मतलब डिफरेंशिएट कर दिए। जिस तरह से खोले हैं उसी तरह से इसको क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे। देखो अब ये इसको हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दिए। यही है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसको ओपन कर दिए। देखो जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग ओपन कर रहे हैं, देखना जिस प्रोसेस के थ्रू तोड़ रहे हैं उसी के जस्ट अपोजिट प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको जोड़ भी रहे हैं। इसीलिए डिफरेंशिएशन अच्छा से सीखना, इंटीग्रेशन सीख जाओगे। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऊपर से नीचे आएंगे और फिर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, नीचे से जोड़ते 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 यहाँ पहुँच जाएंगे। यही है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम लोग को इंटीग्रेशन बाद में आएगा, लेकिन पहले हम लोग को मिलेगा डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन मीन्स होता क्या है। डिफरेंशिएशन नाम से ही पता चल रहा है, दो चीजों के बीच का डिफरेंस। लेकिन दो चीजों के बीच का डिफरेंस, लेकिन किसी के ना किसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी हो पाएगा डिफरेंशिएशन। जैसे देखो डिफरेंशिएशन तोड़ना जोड़ना, जैसे अगर एक कोई बोतल खोल रहे हो, बोतल खुल रहा है मतलब कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोतल को लगा रहे हैं मतलब कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। यही है एकदम बेसिक एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन का। देखो जैसे कि हम लोग एक फंक्शन देखे थे, मान लेते हैं फंक्शन है एक वाई बराबर एफ ऑफ एक्स को, एक फंक्शन वाई बराबर, एक सेकेंड रुक जाना तुम लोग थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या था, y बराबर f ऑफ x है। y बराबर f ऑफ x आने का मतलब कि ये y किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, ये y x पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी x का जितना भी वैल्यू डालेंगे उसी के अनुसार y का वैल्यू आएगा। यानी y का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि इस y में थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इस y में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और इस f ऑफ x में भी। यानी जैसे देखो y का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग x में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एकदम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि y में भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। जैसे कि x में मान लेते हैं x का वैल्यू अगर 4 रखें तो y का कुछ वैल्यू आएगा। अब हम लोग x का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, मान लेते हैं 4.00000004 इंक्रीज करें, तो इसी के अनुसार y में भी इंक्रीजमेंट होगा, यानी रिजल्ट में भी इंक्रीज होगा। तो वही हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और x क्या है, x x एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है y। अच्छा लिखो, लिखते हैं। देखो एक हम लोगों का क्या है, y बराबर f ऑफ x है इन विच
इन विच, जिसमें एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंड ऑन, नहीं, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, DEPENDENT, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये जो एक्स है, एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं है। एक्स एक्स क्या है, एक तरह का एकदम स्वतंत्र है, लेकिन वाई क्या है, वाई डिपेंड है, वो भी किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है। तो देखो, जब ये तो मान लेते हैं एक्स का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू एक्स पे डिपेंड, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स में थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, एकदम थोड़ा सा बर्दाश्त, मतलब कि इंक्रीज कर लेते हैं, का दिक्कत है, इंक्रीज करने में थोड़ा सा चेक करते हैं, इंक्रीज करके कि इंक्रीज करने के बाद होता क्या है, मान लेते हैं वही कि चेक करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्स में इंक्रीज करते हैं, तो जब एक्स में इंक्रीज करेंगे तो वाई में भी इंक्रीज होगा। तो लिखते हैं लेट, मान लेते हैं लेट थोड़ा सा अगर इंक्रीज करेंगे तो छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल एक्स, इसको पढ़ेंगे डेल, देखना ये इस तरह से डेल एक्स है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेल एक्स, ठीक ना। लेट डेल एक्स बी ए स्मॉल इंक्रीज, CREASEMENT, स्मॉल इंक्रीजमेंट, डेल एक्स बी ए स्मॉल इंक्रीजमेंट इन एक्स, इस एक्स में थोड़ा सा डेल एक्स, मतलब इस एक्स में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट किए, तो ऑब्वियसली है कि अगर इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो ऑब्वियसली कि वाई में भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, एंड डेल वाई बी ए कोरेस्पोंडिंग स्मॉल इंक्रीजमेंट इन वाई, देन वी हैव, तब हम लोग को क्या मिलेगा। देखो, हम लोग को जो ये तो मेन फंक्शन दिया हुआ था, वाई बराबर एफ एक्स मेन फंक्शन था, जिसमें हम लोग लिखे हैं इन विच, जिसमें एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक्स क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये वही लिखे, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन, लिख सकते हैं ऑन एक्स, एक्स पे क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, एक्स पे। तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा लेट कर लिए, लेट कर लिए कि अगर एक्स में कुछ ना कुछ क्योंकि एक्स का कुछ वैल्यू रखते हैं तो वाई का वैल्यू निकलता है, अब थोड़ा सा सोचे ना कि अच्छा ठीक है, एक्स का थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं तो वाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब एक्स में थोड़ा सा बढ़ाया ना तो वाई में भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो वही लिखें, और एक्स कितना बढ़ा है, डेल एक्स बढ़ा है, एकदम छोटा सा बढ़ा है, थोड़ा सा स्ट्रिप, छोटा सा स्ट्रिप लेकर बढ़ा, वही डेल एक्स भी स्मॉल इंक्रीजमेंट इन एक्स, डेल एक्स एक्स में छोटा सा इंक्रीजमेंट किए हैं, एंड डेल वाई भी कोरिस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीजमेंट इन वाई, एंड डेल वाई सॉरी इस वाई में भी डेल एक्स का इंक्रीजमेंट किए हैं, तो बढ़ देखो थोड़ा थोड़ा, यानी एक्स में थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी एक्स में थोड़ा सा बढ़ाएं, तो फंक्शंस ऑफ, ये तो एक्स पहले से था, इसमें क्या किया हम लोग, डेल एक्स इंक्रीजमेंट कर दी, ऑब्वियसली है कि जब यहाँ पे डेल एक्स यहाँ पे घुसा है, डेल एक्स बढ़ा है, तो ऑब्वियसली है कि वाई में भी क्या बढ़ेगा, वाई में भी कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट, सॉरी डेल वाई होगा यहाँ पे, इसमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होगा। अब देखो इसको ना, इसको भी इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको इक्वेशन सेकेंड मानो, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो इक्वेशन सेकेंड है, इस इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को मिलेगा यानी डेल वाई सॉरी वाई प्लस डेल वाई में से वाई घटाएंगे बराबर, यहाँ घटेगा हम लोग का एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से माइनस घटेगा, यानी एफ ऑफ एक्स घटेगा, यहाँ से देखो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या यहाँ पे डेल वाई बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, यानी एफ ऑफ यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस डेल एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे डेल एक्स यानी छोटा सा डेल एक्स से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग डेल एक्स डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डेल एक्स से छोटा सा डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा क्या, यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। जैसे ना कि एक ना हम लोग रेशियो देखे, अगर समय के अनुसार देखा जाए, तुम लोग ना एक रेशियो देखा होगा, अगर हम लोग डिस्टेंस डिस्टेंस दूरी बराबर 4 गुने समय। देखो अगर हम लोगों को वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये वेलोसिटी यानी ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग इस वेलोसिटी को किस पे रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, यानी टाइम का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, ये डेल वाई बाई डेल एक्स कहने का मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में हम लोग, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग वाई में कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंक्रीजमेंट किए हैं। यही अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी जो हम लोगों को वाई क्या था, वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, और ये जो डिपेंड यहाँ जेनर बेसिकली इसमें यही हम लोगों को देखना है ना कि अगर एक्स में थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट करेंगे तो हम लोगों को वाई में भी थोड़ा सा ना थोड़ा सा स्ट्रिप ही कुछ ना कुछ क्यों वो जरूर इंक्रीज होगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर डेल एक्स हम लोग यहाँ पर बढ़ाएं तो डेल एक्स के ही रिस्पेक्ट में हम लोगों को वाई में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट हो रहा है, और यही हम लोगों को क्या कहलाता है, यही हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन कहलाता है, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई, सॉरी डेल वाई बाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, यानी वाई किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ इसका इंक्रीजमेंट हुआ है हम लोगों को। यही हम लोगों का बेसिक चीज ऑफ डिफरेंशिएशन, नहीं तो और थोड़ा सा और ये हम लोगों को एक तरह से बोल सकते हैं, जो हम लोगों का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का ये दिया हुआ डिफरेंशिएशन है, उन्हीं के अनुसार ये हम लोग काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और अगर कर सकते हैं, थोड़ा सा रुकना, डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ, यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, या प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, माइक ऑन करते, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा खाली हम लोगों को इंक्रीजमेंट करना है बस। सर फर्स्ट प्रिंसिपल इसी को, हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल यही है हम लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल। और तुम लोग देखना बुक में ना फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कुछ ना कुछ तुम लोगों को क्वेश्चन देगा, कुछ ना कुछ देगा, लेकिन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनाना है, तब तक फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज मत ही करना, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में थोड़ा सा लफड़ा होता है, झमेला होता है, थोड़ा सा इंक्रीज करो थोड़ा सा फिर डिक्रीज करो, ये सब समस्या होती है। लेकिन हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल है तो फिर पढ़ना तो होगा, तो लिख लो यही, यानी डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको हम लोग और अदर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पढ़ने में थोड़ा आसान होता है। डिफरेंस देखो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे भी वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग वाई को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी वाई को तोड़ रहे हैं। जैसे वाई एक कोई अगर फंक्शन है, यानी वाई बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 एक फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाई को, ये वाई एक फंक्शन, इस वाई को तोड़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वो देखेंगे आगे हम लोग। तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर यही है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, देखो विथ रिस्पेक्ट टू, WR2 मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
इतना लिख लो, और किस किस तरह का दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स ही दिखेगा या डी बाई डी एक्स बगल में वाई दिखेगा, वाई क्या हम लोग का, वाई एक फंक्शन है तो फंक्शन का फॉर्मेट दिखेगा, यही हम लोग का डिफरेंशिएशन रहेगा। ये हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखते हैं, अब वर्किंग हम लोग कैसे करेंगे इस पे, डिफरेंशिएशन पे वर्किंग रूल क्या क्या रहेगा, इसका वर्किंग रूल के बारे में हम लोग देखते हैं। मिटाएं इसको, पहले हम लोग कुछ कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार कुछ कुछ बनाएंगे, इसके बाद फिर इसका जो फॉर्मूला ये सब होगा वो सब भी देखेंगे। यहाँ पे भी फिर से आएगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर से मिलेगा लॉग, फिर से देखने को मिलेगा एक्सपोनेंशियल, फिर से देखने को मिलेगा। इसीलिए पढ़ की पढ़ा है, कौन कौन पढ़ा है उसको ट्रिग्नोमेट्री? तो बढ़िया, इनवर्स भी कर लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे देखो वर्किंग रूल क्या क्या है, डिफरेंशिएशन का वर्किंग रूल कुछ कुछ बताते हैं। सर वर्किंग, हम लोग का इनवर्स फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन पढ़ना है। हाँ पढ़ना है, हाँ सिलेबस में नहीं है, है तो वर्किंग रूल। देखो वर्किंग रूल हम लोगों का क्या क्या है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा या डी बाई डी एक्स वाई देखने को मिलेगा। मनीष कुमार माइक ऑफ रखो, या नहीं तो देखने को मिलेगा डी बाई डी एक्स और वाई के जगह कुछ एक फंक्शन दे देगा एफ ऑफ एक्स, इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा। यस सर, बहुत बढ़िया से आ रहा चलो ठीक है, हाँ है। अब साफ साफ आ रहा है सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा, अब ठीक हो गया। देखो यहाँ पे हम लोगों का वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट क्या दिखेगा, देखो आराम से समझना, माइक ऑफ कर लो, आराम से समझना। डी वाई बाई डी एक्स इस तरह का हम लोगों को दिखेगा, फंक्शन दिखेगा। सबसे पहले देखो वर्किंग रूल में अगर कोई भी कांस्टेंट दिखे डिफरेंशिएशन में, किसी भी टाइप का कांस्टेंट दिखे डिफरेंशिएशन में, तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक ना। यानी पहला याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। कहीं पे भी कांस्टेंट देखे उसका एकदम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बेझिझक एकदम लगा देना। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एगो कोई फंक्शन दे दिया है के क्या, के कांस्टेंट, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, यानी यहाँ अगर लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स, तो देखो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, के है, यानी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह के लिखेंगे, तो ये के क्या कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहला वर्किंग रूल। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, यहाँ नीचे देखो डी एक्स है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब जाके इसका वैल्यू जीरो की ओर भागेगा, यानी डी बाई डी एक्स के बराबर जीरो। डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, हो गया फर्स्ट। और देखो सेकेंड, अगर कोई भी एक फंक्शन मिले, जैसे कि अगर सेकेंड रहा है कि कोई भी एक फंक्शन मिले और उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगल रहे, जैसे कि अगर कोई एक फंक्शन मिले उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट रहे, जैसे इस फॉर्मेट में दे दे के एक्स दे दे, सर फिगर हाँ क्या हुआ, फिगर नहीं दिख रहा सर। क्या दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या, जी पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा एक बार ना कट करके फिर से ज्वाइन करो, एकदम मस्त दिख रहा सर। हाँ किसी का प्रॉब्लम हो दिख रहा जाता है, है। क्वालिटी है ना, आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे अगर के एक्स दिखे, कोई भी एक कांस्टेंट दिखे, और लेकिन देखो यहाँ पे वो एक्स कोई फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट है, इस तरह के दिख सकता है, या और क्या दिख सकता है, एक्स स्क्वायर लिखा रहा है और यानी के दिख सकता है, इस तरह का अगर कहीं पे भी दिखे फंक्शन, यानी अगर एक देखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट में, यानी के एफ ऑफ एक्स,
यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसके साथ के कांस्टेंट लगा है। अगर इस तरह का कहीं पे भी डिफरेंशिएशन इस तरह का दिखे और बोले कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल के बताइए, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स अगर हम लोग के, अरे कहा है वैसे कर रहा है, के एफ ऑफ एक्स अगर दिखे इस तरह से, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। तो ध्यान रखना यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट आराम से निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आराम से निकल जाएगा, के निकल जाएगा आराम से बाहर निकल जाएगा और मिलेगा क्या, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स जो भी इधर रहेगा डिफरेंशिएशन उसको, जो भी इधर फंक्शन रहेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएशन आगे करेंगे, यानी अगर इस तरह का रहे तो ये ध्यान रखना। नहीं तो तुम लोग हम बोले थे ना कि मेरा वाला स्क्रीन में पे डबल टैप करो ना, मेरा वाला जहां दिखता है ना डबल टैप करो, पिन हो जाएगा वो। अब देखो ये फॉर्मेट हो गया, यस सर आप सिखाए थे तो कर दिए थे, नहीं होता नहीं होता है अब सर, दूसरा का नहीं आता सर, ये हाँ बोलना चाहता हाँ मतलब दूसरा का नहीं आएगा। अब देखो आगे दो को फॉर्मेट हो गया, अब देखो तीसरा फॉर्मेट लिखना, तुम लोग जरूर लिखना इसको कॉपी में, थर्ड फॉर्म मेरा नहीं हो रहा है डबल टैप करने से, यस हो जाएगा बढ़िया से करो ना कंटिन्यू वैसे। में स्लाइड करके उस पे सर वाला पे डबल टैप करो ना, लेफ्ट में स्लाइड करके, हाँ मतलब जहाँ चार को दिखेगा ना, चार को में एक को मेरा वाला दिखेगा उसको पिन करो टैप करके। अब देखो नेक्स्ट, अगर कहीं पे भी इस तरह का फंक्शन दिखे जैसे एक्स के पावर टू, एक्स के पावर थ्री, एक्स के पावर फोर, एक्स के पावर फाइव, अगर इस तरह का कहीं पे भी फंक्शन दिखे, यानी डी यानी कहने का मतलब कि एक्स के पावर एन की तरह कहीं पे भी दिखे फंक्शन, एक्स के पावर एन, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी बाय डी एक्स अगर कहीं पे फंक्शन हम लोग को दिखे एक्स टू द पावर एन दिखे और इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना, तो कैसे करेंगे, देखो इस जो भी यहाँ एन है ना उस एन को हम लोग क्या करेंगे पीछे ले आएंगे, यानी एन यहाँ ले आएंगे और फिर क्या होगा एक्स हो जाएगा और फिर जो एन है उसमें एक कम कर देंगे। देखो बोले हैं ना क्या डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं यानी उसको खोलते हैं, यही कर रहे हैं, खोल रहे हैं यानी इसका पावर को क्या कर रहे हैं तोड़ रहे हैं। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन अगर कहीं दिखे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एन ये एन है वो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, जैसे अगर रहेगा यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करे, जो नीचे होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते, जैसे डी बाई डी एक्स है अगर हम लोग यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर लिखें तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ध्यान रखना, यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे टू है, तो टू आराम से क्या करेंगे हम इस फॉर्मेट में टू पीछे ले आएंगे इंटू एक्स, एक्स लिखेंगे एन माइनस वन, एन के जगह कितना है दो में से एक घटाएंगे, यानी टू इंटू एक्स के पावर वन यानी टू एक्स हो जाएगा। देखो हम लोगों को क्या था, एक एक्स के स्क्वायर के फॉर्मेट में था कोई फंक्शन, उसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन किए एक बार, यानी सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन है अभी तक, सिंगल डिफरेंशिएशन ही बोल रहे हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन किए तो हम लोगों को क्या मिला टू एक्स, यानी कहाँ था एक्स स्क्वायर अब हो गया टू एक्स, यानी अगर एक्स का वैल्यू चार रखते हैं तो देखो यहाँ चार चौका 16 आता, लेकिन अब चार रख रहे हैं तो चार दूनी आठ ही आ रहा है, तो देखो क्या कर दिया छोट कर दिया ना खोल के, यही है हम लोगों का डिफरेंशिएशन, जो बड़ा से बड़ा डाटा रहेगा उसको आराम से क्या कर देना छोटा से छोटा, जैसे एक धागा पूरा मोड़ के धागा रखा हुआ है उस धागा को क्या करो ना खोल दो खींचो, वही है डिफरेंशिएशन, और सबको जोड़ देना मतलब इंटीग्रेट कर देना इतना सारा चीज लिखो। देखो यहाँ पे है ना डी बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मेट अगर कहीं पे भी दिखे ना तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, यानी ये कोई फंक्शन दिया हुआ इसको लिखना है, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे एन पहले लिखेंगे एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी एक का पावर कम कर देना, वैसे भी देखो ना डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कम करते हैं कम करते हैं, तो वही तो कर रहे हैं, जैसे वो एग्जाम्पल लिए एक्स स्क्वायर टू लिख दिए और एक्स के पावर टू में से क्या किए वन घटा दिए, यानी टू इंटू एक्स के पावर क्या मिला टू एक्स मिला, यानी यही हम लोग को डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका एक्स स्क्वायर का, यही तो बताएं। अब इसको लिखो थोड़ा सा अब आगे और बताते हैं।
अब जैसे देखो ये इस तरह से भी दे सकता है, हम लोगों को मिटा रहे हैं इसको, इस तरह से भी दे सकता है, जैसे मिटा रहे हैं सब, ध्यान रखना। यहाँ पे देखना डिफरेंशिएशन, हम लोगों को यहाँ तो एक सिंगल फॉर्मेट दिया हुआ था, इस तरह से भी दे सकता है डी बाय डी एक्स। एक हम लोगों ने यहाँ एक कोई कॉन्स्टेंट दे देगा के एक्स टू द पावर एन, इस तरह से भी तो दे सकता है डिफरेंशिएशन। तो अगर इस तरह से देना तो क्या करना है, देखो सबसे पहले कॉन्स्टेंट को आराम से बाहर निकाल दो, प्यार से एकदम कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिए, फिर अंदर क्या बचा डी बाई डी एक्स, अब बचा एक्स टू द पावर एन। अब इसको क्या करो आराम से डिफरेंशिएशन कर दो, अब क्या हो जाएगा हम लोगों को क्या मिलेगा, के तो अपना हाई है बाहर, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा एन बाहर आ जाएगा, एन इंटू एक्स के पावर एन में एक कम कर देंगे एन माइनस वन, यही हो जाएगा हम लोगों को डिफरेंशिएशन। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखना है तो लिखते हैं डी बाई डी एक्स 5 इंटू एक्स के पावर 5 है, इसको डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ रहा है, क्या होगा सो देखो, आराम से पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचेगा डी बाय डी एक्स एक्स टू द पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोगों को क्या मिलेगा, फाइव अपना फाइव रहेगा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे पाँच एक बार फिर से पीछे आएगा, अब क्या मिलेगा एक्स मिलेगा और एन माइनस वन, ऊपर में एक कम करेंगे यानी पाँच में से एक कम करेंगे तो चार हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा 25 एक्स टू द पावर 4। हाँ यही क्या हो जाएगा सर, 5x^5 का डिफरेंशिएशन 25 × x^4। ये ध्यान रखना हम लोग अभी तक सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन भी होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन ही करेंगे। नीचे वाला मिटाते, तो हर एक टाइप का फॉर्मेट अभी बता रहे हैं आप, और आगे देखते हैं। अभी देखो जो हम लोग अभी ना फर्स्ट प्रिंसिपल वाला पढ़े थे ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी एक दो सॉल्यूशन करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे कैसे हम लोग किसी चीज को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखो एक और लिखते हैं, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो यहाँ अंडर रूट एक्स है तो ध्यान रखना अगर कहीं पे भी अंडर रूट दिखे, तो अंडर रूट दिखे ना तो इसका वैल्यू होता है 1/2, ठीक। अगर अंडर क्यूब दिखे तो इसका वैल्यू 1/3 पुट करना, जैसे कि अगर मान ले दिखता है 5 के अंडर रूट, तो समझो अगर ये जैसे यहाँ अंडर रूट 5x डाले थे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वहीं पे देखो यहाँ d by dx अंडर रूट x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं d by dx यानी x^1/2, यानी जो फॉर्मेट अभी हम लोग देखे थे वो वाला फॉर्मेट में इसको चेंज कर देंगे डी बाई डी एक्स x^1/2। अब हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला x^n रहेगा, तो n पहले पीछे लाएंगे, देखो n पहले पीछे लाएंगे फिर x रहेगा फिर n माइनस वन घटाएंगे, n में से एक घटाएंगे, फिर वैसे ही करते हैं 1/2 आराम से पहले एक बार पीछे लाए, फिर क्या करेंगे x डालेंगे, x^1/2 है क्योंकि n है, n बराबर 1/2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 x^1/2 में से माइनस 1 घटाएंगे तो -1/2 दिखेगा, यानी यही वाला। इसको और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 ये ऊपर माइनस में तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा यानी x^1/2। और देखो x^1/2 चाहे तो इसको अंडर रूट के फॉर्मेट में डाल सकते हैं, तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा 1/2
अंडर रूट एक्स, यानी अगर कहीं पे भी डी बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स का वैल्यू दिखे, यानी डी बाय डी एक्स अंडर रूट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स, यही हो। ये सब तभी तक हम लोग फॉर्मूला से देखे। अब देखते हैं ना यह चीजों को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे बनाते, जो अभी हम लोग देखे थे ना फर्स्ट प्रिंसिपल, थोड़ा सा इंक्रीज करके, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते कैसे बनेगा, मिटाते हैं, मिटा रहे हैं, लिखना तुम लोग। अब देखो इसको ना थोड़ा दूसरा मेथड से, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना उससे बनाते, जैसे कि अगर हम लोग एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है क्या, एक फंक्शन दिया हुआ है कि y बराबर, हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ अंडर रूट x, यानी लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या, y बराबर f ऑफ x बराबर अंडर रूट x। हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या दिखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम लोगों को y बराबर f ऑफ x जनरली किया रहता था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग क्या देखे थे, डी डेल ऑफ x यानी dy बाय dx लिख देते हैं डायरेक्ट, dy बाय dx बराबर हम लोगों को क्या दिखा था यहाँ पे, यानी फंक्शन ऑफ x प्लस, यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज किए थे डेल एक्स माइनस, माइनस क्या था हम लोगों का एफ ऑफ एक्स था डिवाइडेड बाय क्या था, नहीं यहाँ पे डी वाई डी एक्स नहीं डेल एक्स से लिखते हैं, यानी डेल एक्स सॉरी डेल वाई बाय डेल एक्स था ना, डेल वाई बाय डेल एक्स और यहाँ पे डेल एक्स था, इस तरह का था हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल बनल था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज वही फॉर्मेट के साथ हम लोग काम करें, हम लोग के पास दिया हुआ है का y बराबर एक फंक्शन है f of x और f of x बराबर क्या अंडर रूट x, इस अंडर रूट x में थोड़ा सा हम लोग ने इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करते हैं यानी ये वाला हम लोग को देखो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, यानी f of x बराबर हम लोग को क्या है अंडर रूट x, देखो इसको कौन सा तरीका से बनाया जाए, एफ ऑफ एक्स देखो, तो अगर यहाँ ये तो हम लोग का वाई बराबर ही है ना, वाई बराबर ही है सारा चीज, अगर एक्स में थोड़ा सा कुछ इंक्रीज करेंगे ना तो ऑब्वियसली इसमें भी कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होगा, यानी इनपुट कुछ डालेंगे तो आउटपुट में भी कुछ चेंजिंग होगा, तो मान लेते हैं इनपुट में कुछ भी या तो डेल एक्स, यानी तो जनरल फॉर्मेट एच ले लो कि एच इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर फंक्शन ऑफ यहाँ एक्स रहेगा, अगर यहाँ पे एच इंक्रीज करेंगे यानी इनपुट में एच बढ़ाएंगे तो पक्का है कि आउटपुट में भी एच बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर अंडर रूट एक्स प्लस एच, ये अब हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट दिख गया। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, अब हम लोगों को यहाँ पे देखो फंक्शंस, ये वाला एक फंक्शंस दिखेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी इसमें ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट था, ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड, अब सेकेंड में सब क्या करेंगे फर्स्ट को माइनस करेंगे, अच्छा यहाँ पे भी लिखिए दो सर इधर भी, यानी ये हम लोग का क्या था वाई बराबर था, अब इसमें भी कुछ हम लोग इंक्रीज किए हैं वाई प्लस डेल वाई यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, तो ये इधर कुछ अपना बढ़ा, अब देखो यहां से हम लोग इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस करते हैं सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, यानी तो डायरेक्ट इसी में पुट करो तो हम लोगों को फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा डेल वाई मिलेगा, वाई वाई तो कट जाएगा, डेल वाई बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये हम लोग का फॉर्मेट दिखा, अगर यहाँ पे हम लोग डेल ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को ना लिमिट लगाना होगा, जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ एच बढ़ाया ना
हम लोगों को ना यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो लेकर काम करना होगा, यहाँ पे लिमिट लगाना होगा, तब हम लोगों को काम बन जाएगा। यानी अगर हम लोग डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पे डालते हैं तो हम लोगों को देखो यहाँ पे कुछ एच मिलेगा नीचे, क्योंकि जो इंक्रीजमेंट हुआ यानी डेल एक्स इंक्रीज किए थे तो यहाँ पे क्या इंक्रीज किया, यहाँ पे एच इंक्रीज किए, एच यहाँ पे एच इंक्रीज किए, तो हम लोगों को इधर हम लोग डिफरेंशिएशन डेल वाई बाई डेल एक्स ही लिख देंगे। अब देखो इसको ना लिमिट के फॉर्मेट में लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो के साथ, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखते हैं। तो देखो तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या, अंडर रूट एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे इसके बराबर ये वाला डाटा लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, बीच में माइनस है माइनस डाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है अंडर रूट एक्स डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या है एच है। अभी रुक जाना, एक दो स्टेप और एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे फिर से हम लोगों को लिमिट सोल्यूशन करना होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट पे बेस्ड है। अब यहाँ पे लिमिट सोल्यूशन करना होगा तो लिमिट सोल्यूशन करो, यानी ये हम लोग को डेल वाई बाई डेल एक्स यानी ये डिफरेंशिएशन इधर मिलते रहेगा, यानी डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इधर मिलते रहेगा, डीवाई बाई डी एक्स बराबर, अभी हम लोग को लिमिट यहाँ से सॉल्यूशन करना होगा एच टेंस टू जीरो के साथ, इसको इधर मिटाते। देखो यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि बिना रेशनलाइज के तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, रूट एक्स तुम लोग करना। देखो फाइनल आंसर तो वही मिलेगा जो पहले हम लोग किए थे, अब तो तुम लोग समझना कि कौन सा मेथड से बनाओगे, इतना ठीक है। रेशनलाइज ऊपर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस एच मिलेगा, माइनस माइनस यहाँ पे एक्स मिलेगा, डिवाइडेड बाय नीचे तो पूरे मिल जाएगा। नीचे क्या मिलेगा, एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। देखो तो ये माइनस से ये प्लस एक्स कैंसल आउट, ये ऊपर नीचे एच एच ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, और लिमिट यहाँ एच टेंस टू जीरो है। देखो अब एच टेंस टू जीरो, एच बराबर जीरो वैल्यू पुट करेंगे ना तो कुछ मिलेगा डाटा हम लोगों को, इधर लिखते हैं इसको, ऊपर तो वन है, वन डिवाइडेड बाय नीचे देखो एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे पुट करते हैं, यानी एच पुट पुट एच बराबर जीरो, पुट एच बराबर जीरो, अगर एच बराबर जीरो पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वन डिवाइडेड बाय यहाँ एच तो खत्म हो गया, यहाँ अंडर रूट एक्स मिलेगा और एक्स तो यहाँ जीरो भी हो जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बराबर क्या मिलेगा, वन बटा टू अंडर रूट एक्स, यही था ना हम लोगों को डीवाई बाय डी एक्स यही मिला था ना। देखो अगर हम लोगों को एक फंक्शन दिया है वाई बराबर अंडर रूट एक्स, तो अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाया जाए तो भी उतना ही आएगा, वन बटा टू रूट एक्स, यानी तो फॉर्मूला से भी बनाओगे तो दोनों इतना ही आएगा। लेकिन अगर कहीं मेंशन कर दिया क्वेश्चन में ना कि फॉर्मूला से बनाना है तो फिर फॉर्मूला से ही बनाना होगा, नहीं तो फिर जो जनरल, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनाना होगा, नहीं तो फिर जनरल से बनाना होगा। एक बार हम लिख दे रहे हैं, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल लिख दे रहा है, उसको तुम लोग लिख लो और उसी से बनाना, फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल। देखो आज समझ में नहीं आया, हम फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल लिख देते हैं, उसके बाद तुम लोग पुट करके और बना देना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स था ना, हम लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल वाला रूल लिख दे रहे, बना देना आराम से। अरे करना कुछ नहीं है, खाली बस लिमिट जो पढ़ा है ना वही लिमिट को खाली अप्लाई करते जाना। जैसे देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक और फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कैसे लिमिट को सोल्यूशन करेंगे। माइक ऑफ रखे ना, मेंशन अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला से बना। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंस, हाँ ये तो लेंदी ही भागता। देखो डीवाई बाई डी एक्स अगर दिया हुआ रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, अरे देखो लिमिट घुस रहा है ना तो लेंदी भागेगा ही, लिमिट है ना, लिमिट एच टेंस टू लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच थोड़ा सा इंक्रीज किए हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, यही हम लोगों का क्या फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जैसे अगर वाई बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है
अगर इसको हम लोग सोल्यूशन करना फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आराम से पुट कर दो निकल जाएगा। जैसे देखो dy by dx बराबर लिमिट, माइक ऑफ रखो ना, x टेंस टू जीरो। यहाँ देखो f ऑफ x प्लस x, यहाँ पे क्या है y बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अंडर रूट x दिया हुआ है, y बराबर अंडर रूट x दिया हुआ, यानी ये हम लोग को देखो y बराबर f ऑफ x बराबर अंडर रूट h, सॉरी अंडर रूट x। अगर यहाँ पे x प्लस h बढ़ा रहे हैं, यानी x के जगह ध्यान रखना, x के जगह इनपुट अगर हम लोग x प्लस h बढ़ाएंगे तो इधर भी क्या होगा, इधर भी h बढ़ेगा ना, एच बढ़ेगा और f ऑफ x बराबर, तो यही चीज यहाँ पुट करो, देखो f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h क्या रखा है यहाँ पे, अंडर रूट x प्लस h माइनस f ऑफ x, f ऑफ x बराबर माइनस रूट डिवाइडेड बाय h। अब सॉल्यूशन कर दो, अब तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हो ही रहा है, ये वाला याद रखना, ये फॉर्मूला, ये तरीका, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल लिखने का तरीका। अब इसके बाद यहाँ से रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करेगा परिमेयीकरण तो समझ टूट जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस एच, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, रेशनलाइज तो कर ही सकते हो। अब एक्स प्लस एच यहाँ पे माइनस प्लस, परिमेयीकरण करो। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पैटर्न पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस एच, यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक, यानी अपना लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगल रहेगा। देखो ये से ये कैंसल आउट, ऊपर वाला एच जगह से नीचे वाला एच कैंसल आउट, अब पुट करो एक्स बराबर जीरो पुट करो तो यहाँ, सॉरी एक्स नहीं एच है ना, अरे सॉरी यहाँ पे एच है, एच टेंस टू जीरो ना, तो एच बराबर जीरो पुट करो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा इधर डिवाई बाई डी एक्स, सही है अपना डिवाई बाई डी एक्स, ऊपरी वन डिवाइडेड बाय देखो एच बराबर जीरो, तो यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बराबर वन बटा टू रूट एक्स, यही हम लोग, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे बनाओगे तो फॉर्मूला से तो एन ए एन माइनस वन तुरंत बन जाएगा वहां से, हाँ फॉर्मूला होता है कभी कभी ना प्रूफ करने के लिए दे देगा, तो प्रूफ करने के लिए दे देगा ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ करना होगा। अब जैसे देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का दे देगा, कॉस एक्स का दे देगा डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए, तो जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े रहेगा अच्छे से तो फिर नहीं बनेगा। हाँ जितना भी प्रूफ होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, तो प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होगा, उसके अलावा तो फिर सब तो फॉर्मूला से बन जाएगा। जैसे देखो एक और बताते हैं, साइन एक्स का प्रूफ करते हैं, इसको मिटा है? हाँ जैसे देखो फर्स्ट प्रिंसिपल को समझो अच्छा से, समझ जाओ तो मिटा तो दिए, अच्छा ठीक है फिर मिल जाएगा वीडियो मिल जाएगा, फोटो खींच के आपके पास भेज देंगे सर, आप भेज दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जैसे देखो अगर हम लोग को कोई फंक्शन दिया हुआ है वाई बराबर साइन एक्स, ठीक है, जैसे देखो एफ सॉरी यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखना समझना, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हम लोगों को, साइन एक्स दिया हुआ। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रहे हैं, साइन एक्स दे रहे हैं, अगर x में हम लोग कुछ इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, f ऑफ x प्लस h इंक्रीज करेंगे, प्लस h सॉरी हाँ प्लस h इंक्रीज करेंगे, तो इसमें भी कुछ इंक्रीजमेंट होगा, क्या होगा, साइन x प्लस h इंक्रीज होगा, ठीक है, इतना डाटा मिल गया। अब हम लोगों को क्या है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उस पर पुट करो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डीवाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम लोग ऊपर क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच मिलता है, ठीक, यही मिलता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला है। ध्यान रखो एफ ऑफ एक्स है, एक्स में इंक्रीज की एच, तो एच इधर भी इंक्रीजमेंट होगा। अब क्या क्या करना है, वैल्यू पुट करना, वैल्यू क्या पुट करो, देखो डीवाई बाई डी एक्स y बराबर क्या है, साइन एक्स है, यानी यहाँ इधर हम लोग लिख सकते हैं d by dx, y के जगह क्या लिख सकते हैं, y के जगह साइन एक्स, यानी हम लोग अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d by dx साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है।
देखना लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या है साइन x प्लस एच है माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है साइन x डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा h होगा h। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है याद है किसी को? Yes, sir. बोलो टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। देखो इधर लिखते हैं टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू और साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक ना? यही फॉर्मूला है। अब तो डालते हैं फिर टू कॉस ए प्लस बी, ए की जगह क्या है एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच और बी की जगह क्या है एक्स यानी प्लस के साथ एक्स होगा डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा यहाँ पे इंटू साइन ए माइनस बी। वाह वाह वाह, इसको मिटा देते इधर फॉर्मूला लिख लेना इंटू साइन ए माइनस बी यानी क्या यहां से मिलेगा एक्स प्लस सॉरी एच एच टेंस टू जीरो रहेगा नहीं अरे गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ एच लिए हैं यहाँ एच इंक्रीज किए तो यहाँ एच लेना यहाँ एच यहाँ देखो एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू ठीक हो गया यहाँ पर। अब देखो ये एक्स से ये एक्स कैंसल आउट हो गया अब बचा क्या हम लोग को लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे क्या मिलेगा टू कॉस एक्स एक्स क्या मिलेगा टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय टू इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा साइन एच बाय टू अब देखो अब और कुछ मिल जाएगा यहां से देखो ये कटेगा तो कटेगा तो कुछ दिखेगा क्या एच टेंस टू जीरो देखो लिमिट है तो थोड़ा सा सोच समझ के करना अगर टू कॉस यहाँ पे देखो तो इसको अलग अलग करते हैं यहाँ अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा दो से दो कटेगा एक्स प्लस यहाँ से क्या मिलेगा एच बाई टू मिलेगा इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा साइन एच बाई टू मिलेगा। अच्छा इसका नीचे भी है या नीचे छूट रहा है नीचे एच है इंटू यहाँ पे साइन एच बाई टू नीचे एच रहेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना नीचे एच है ना और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो तुम लोग एक चीज हम तुम लोग को बताए थे लिमिट में कि अगर कहीं पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और दो गो फंक्शन दिखे तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो ये देखो इसको अलग करते हैं यानी ये क्या है टू इंटू कॉस एक्स प्लस एच बाई टू समझना एक ही बार में कोशिश करना कि समझ में आ जाए इंटू इसको भी अलग करते हैं यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे देखो ये जो है साइन एच बाई टू और ये जो नीचे वाला एच था ना उसको इसके साथ हम एच लगा देते हैं इसके साथ एच लगा देते हैं एच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक चीज और तुम लोग बताए मनीष कुमार माइक का है तो मैं ऑन कर दे रहा हूं एक चीज तुम लोग और हम फॉर्मूला बताए क्या फॉर्मूला बताए अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहे अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है वन होता है बताया ना। यहाँ पे देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे क्या है साइन एच बाई टू है यहाँ पे साइन एच बाई टू है लेकिन यहाँ केवल एच है तो इसको एच बाई टू करने के लिए क्या करेंगे बाई टू लगा देंगे और इस टू को हटाने के लिए दूसरे मल्टीप्लाई कर देंगे समझ में आया। अब क्या करेंगे इस दो को इधर घसका देते हैं इस दो को यानी घसकाएंगे या नहीं तो ये दो से ये दो कैंसल आउट हो जाएगा और ये वाला टर्म और टोटल क्या हो जाएगा ये टर्म टोटल वन वैल्यू देगा देगा ना
cos x आ रहा है सर। क्या cos x आ रहा है? cos x हाँ, ये फिर बचेगा, ये देखो फिर इधर लिखते हैं थोड़ा ना, इधर लिख देते हैं, इधर स्पेस में रखा हूँ, पर यहाँ डालते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब देखो ये वाला पहले बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, टू बचा अपना टू कॉस एक्स प्लस एच बाय टू बचा, और देखो ये टर्म तो टोटल वन हो जाएगा, वन वन बोलो हाँ ना, फॉर्मूला के अनुसार लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर साइन एच बाई टू यहाँ है, नीचे एच बाई टू है तो वैल्यू वन हो जाएगा। हाँ और क्या सर, ये कॉन्स्टेंट टू है तो सर इसका वैल्यू कौन होगा सर, टू इंटू वन टू, यहाँ टू कौन बताएगा, नहीं नहीं रुको ना, अभी इस टू को अभी हम नीचे लिखते हैं डिवाइड टू, ये वाला टू को, अब समझा नहीं समझा, नहीं समझा फिर से देखो एच टेंस टू यहाँ पे, वो समझ गया, अब देखो अब ये टू से अब ये टू कैंसल आउट होगा, अब एच बराबर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एच बराबर जीरो पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस यहाँ मिलेगा x प्लस एच के जगह जीरो बाय टू, और जीरो बाय टू मीन्स जीरो, यानी हम लोगों को फाइनल क्या मिलेगा, cos x मिलेगा, यानी कहीं पे भी अगर d बाय डी एक्स साइन एक्स दिखे तो उसका डिफरेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है, निकल गया ना। इसी तरह से तुम निकाल सकते हो d बाय डी एक्स cos x का, d बाय डी एक्स tan x का, cot x का, sec x का, cos x का, सबका निकाल सकते हैं इसी तरह से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो यहां तक समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर दो, रिपीट तुम लोग वीडियोज के थ्रू कर लेना, ऐसे तो समझ में आ गया होगा। देखो किए कुछ नहीं है, केवल एच एच इंक्रीज कर दिए थे एक बार, और फिर नीचे क्या किए, नीचे तो फॉर्मूला बेसिस पे पुट किए, नीचे क्या था, यहाँ साइन ए माइनस साइन बी बराबर क्या था, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, फिर नीचे गए नीचे गए, तो अगर कहीं पे भी दिखे तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो उसका वैल्यू क्या होता है, कॉस एक्स, कैसे होता है प्रूफ कर देना फर्स्ट प्रिंसिपल से। लिंक दे देंगे तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी नहीं कल मिलेगा, आज का रिकॉर्डेड कल मिलेगा, एक एक दिन बाद में। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों है, टाइम लगता है ना एडिट करने में, बातचीत छाटना पड़ता है। हाँ बातचीत छाटना पड़ेगा, ये सब सब बातें थोड़ी ना वहां पे जाएगा रिकॉर्डिंग, टाइम पास होगा ना, मेहनत करेंगे तो मेहनत तो करना ही होगा ना, बिना मेहनत के क्या होता है। बस आज यहीं तक रखें या और एक्सप्लेन कर दें? डिफरेंशिएशन का पीडीएफ दे देंगे तुम लोग को, इसमें फॉर्मूला ये सब साथ ध्यान रखना है, इनवर्स भी तुम लोग को, और जिसका एक चीज और, जिसका भी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, जिसका भी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, चाहे इनवर्स हो चाहे और कुछ हो, कंप्लीट कर लेना देख के, ठीक ना। ठीक 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 भेज देंगे, टेंशन मत, ठीक है, बस आज यहीं तक रहेगा, बाय।